गोविंद जी, आपकी गोविंद जी आपकी फिल्म आने वाली है खूबसूरत प्रोडक्शन, उसके अलावा क्या प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए इस बारे में। खूबसूरत प्रोडक्शन आने वाली है, अभी मोस्टली अप्रैल में रिलीज करेंगे, रेडी हो गई है। तो उसके बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं भाई? क्या प्रोजेक्ट है बेसिकली? मैम को मालूम है कि आपके पड़ोस में कौन है, वो पूछ रहे हैं। थोड़ा उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, और भी कोई प्रोजेक्ट है तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। साल में 3 फिल्म बनाने का टारगेट है। अभी हम मार्च में या फरवरी एंड में एक दादा का पुराना पिक्चर था, मैं दीवाना हूँ तेरा, उसको रिलीज करेंगे। उसके बाद अप्रैल में खूबसूरत पड़ोसन को रिलीज करेंगे। उसके बाद अप्रैल मार्च में एक और पिक्चर फ्लोर पर जाने वाली है। तो साल में 3 फिल्म बनाने का हमारा टारगेट है, वो पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। कितना चुनौतीपूर्ण था, कितना इमोशनल था? या ऑब्वियसली बचपन से पिताजी के साथ काम किया है, अरेंज किया है उनके लिए, वीडियोस किया है डैडी के साथ। आई थिंक मोस्ट ऑफ माय यू नो टाइम हैज ऑलवेज बीन विद डैड, यू नो मैनेजिंग हिम हिज वर्क। अभी वही बहुत आयरोनिक है कि अभी रीगो के साथ काम करना मतलब एक अलग ही एटमोसफियर था। बट ऑब्वियसली बहुत मिस करते हैं डैडी को, उनके साथ उनका जो एक प्रेजेंस था बहुत इम्पोर्टेंट था, उनका ही इट वॉज हिज आइडिया दैट उनको ऐसे कुछ करना था, बिकॉज ही ऑलवेज लाइक्ड इंस्पायर्ड वेस्टर्न म्यूजिक, उनका ऑब्वियसली बहुत फेवरेट था, और वो चाहते थे कि रेगो भी ऐसे गाए, और ही हैज़ डन अ ग्रेट ग्रेट जॉब, बहुत ही अच्छा। आजकल के एक्चुअली यू नो हम बचपन से, मैं 8-9 साल का था तब से हम लोग गाना गाए, शोज़ किए हैं, तब के टाइम डिफरेंट था। आजकल के बच्चे आई थिंक दे आर न्यू एज, न्यू जनरेशन, इनका हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जैसे हैं ये लोग एक बार लगा दो चालू हो गए। हम लोग बहुत अलग टाइम के थे, तो वी वर स्टिल लर्निंग एंड यू नो वर्किंग ऑन, बट आजकल के बच्चे इज़ वेरी फास्ट, यू नो दे लर्न फास्ट, दे क्विक, दे आर वेरी कैमरा फ्रेंडली, टॉक यू नो, सो आई मीन सोशल मीडिया का टाइम है, सो दे ऑल नो इट, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। थैंक यू सो मच। सो आई जस्ट एड दिस, व्हेन ही वॉज बॉर्न हिज नेम वॉज गिवन स्वास्तिक बंसल, एंड मैं जब आया मैंने बोला, आई मीन ये हॉस्पिटल की कहानी है, मेरे डैडी भी थे, डैडी ने दिया था नाम स्वास्तिक बंसल। तो मैं यहाँ आया, मैंने बोला यार स्वास्तिक बंसल साउंड्स वेरी, पंडित जी बनाना है क्या इसको, तो सिंगर बनाना है, मेरे मुंह से निकला। तो मैंने ये नाम रे से रेमा, गो से गोविंद, रेगो, और बंसल का बी, सो मैंने इसका नाम तब रेगो रखा था। सो दैट्स व्हाट ही चोज, एंड हैपेंड टू बी दैट आई सेड यू नो इसको रॉक स्टार बनाना है, इसको क्या लीलावती हॉस्पिटल में ये कॉन्वर्सेशन था रूम में, और फिर उसके बाद रेगो इसका नाम। बट इसका रियल नेम स्वास्तिक है, बट म्यूजिक एंड आर्टिस्ट परफॉर्मर प्रोफेशनल नेम इज रेगो। थैंक यू। रेगो हो चुका है तो आज यू नो माई डैड मूवी इज रिलीजिंग इन दिस मार्च और दिस अप्रैल, उसके जो गाने उसको 2 लाइन गा सकता हूँ। नोट देकर वोट लिया, जीता इलेक्शन नेता बना, सबको कुर्सी से घेरा दिया, सीएम के कुर्सी से चिपक गया, सेवा सेवा सेवा, जो करेगा पाएगा मेवा, सेवा सेवा सेवा, जो करेगा पाएगा मेवा।
से भी आप सुनोगे या क्लासिकल भी सुनोगे इज अनबिलीवेबल है. एक छोटी सी एग्जीबिशन उन्होंने दे भी दी यू नो एंड इट्स द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ही हैज एंड इज होल्ड ऑन म्यूजिक इज होल्ड ऑन 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 लिरिक्स एंड एवरीथिंग वेरी वेरी टैलेंटेड सो ब्रिलियंट ब्रिलियंट आई एम सो हैप्पी फॉर हिम बिकॉज़ आई हैव सीन हिम you know and I've heard him to so, mai sirf ek family aur ek dost ki haisiyat se Bansal ji ke aise nahi aaya hu. I've genuinely come because I care and would like to make time for him. As you know, sir, what ye log hera feri thi kabhi intezar karte ji main bhi intezar karta hu. Thank you jaise mujhe pata chalega I'll do. But yeah, excited hai kya ho raha hai. I think Firoz Nadiad wala is the best man to answer that question lekin hoga zarur. Thank you so much sir. Thank you so much. Tara ke liye kya discussion hai? Ek minute are baad mein bolna uske baad mein baat liya na tumne nahi hua hai bhai nahi yeah आउटस्टैंडिंग. आई थिंक ही इज सुपर टैलेंटेड द बॉय. और सिर्फ आपने अंग्रेजी गाने का एक ग्लिम्स देखा, हिंदी में भी इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, क्लासिक इज एक्स्ट्रॉर्डनरी. आई थिंक यू नो ही इज बीन ब्लेस्ड बाय हिज ग्रैंडफादर द लेजेंडरी बप्पीदा. लड़का बहुत बहुत आगे तक जाएगा. ही इज सुपर्ब. यही कि दे हैव टू कीप ट्राइंग, दे हैव टू वर्क हार्ड, नॉट बिलीव दैट दे विल गेट सक्सेस इंस्टेंटली. क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है, क्योंकि टैलेंट बहुत है. सोशल मीडिया ओपन्स आउट अ लॉट ऑफ टैलेंट, बट इंडिया कैन ऑब्जॉर्व दैट टैलेंट ऑल्सो. इतनी अपॉर्चुनिटीज है, एज लॉन्ग एज दे बिलीव इन देम सेल्स एंड आर डिसिप्लिन, स्काई इज द लिमिट. थैंक यू. इन बच्चों को देख के बड़े बच्चों को सीखने का मौका मिलता है, ऊर्जा मिलती है, अच्छा लगता है कि ये ब्लेसिंग है. और इसको पता नहीं कैसे, क्योंकि रेगो को जब पहली बार मिला था, लंदन में मिला था, इनके साथ में खाना खाया था, तो इस बच्चे में कुछ अलग ही जो थी ऊर्जा थी. और कुछ कर गुजरने का जो होता है ना, कि हर बच्चे का एक सपना होता है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही एनर्जी से हमसे मिले थे. और इनके माँ बाप इनके साथ थे, गोविंद जी और इमा जी, तो उसी समय हम लोग इनको बहुत इंजॉय कर रहे थे. और आज ये 13 साल के हो गए हैं, इनका अब संगीत की दुनिया में इनका जो है पदार्पण हो रहा है. और मैं कुछ बस यही दुआ कर रहा हूँ, बस यही बधाई देता हूँ कि भगवान इनको आकाश की ऊँचाइयाँ छुआए. और बस ये खूब इंटरनेशनली नेशनली खूब संगीत के माध्यम से जो है, जो इनका खजाना है इनके अंदर, उसका लोग खूब इंजॉय करें. मुझे जो भी किरदार मिलता है उसको ईमानदारी करने की कोशिश करता हूँ हमेशा. और शहजादा में जैसा कि रोहित धवन उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि डेविड धवन साहब ने हमेशा पिछले 20 साल से अलग अलग रोल्स में जो है हमें यूटिलाइज़ किया है. और अब रोहित धवन की फिल्म है, उनके साथ भी हिस्सा होने का सौभाग्य मिला. मैं पूरी तरीके से जो है यही दुआ कर रहा हूँ कि खूब शहजादा लोगों के दिलो दिमाग में खूब इंजॉय करवाए, सबके ब्लड सर्कुलेशन अच्छे करवाए, और सब इंजॉय करें. और खूब अपने अपने बच्चों के साथ, अपने अपने बूढ़ों के साथ बहुत क्लीन और लाफ राइट एंटरटेनिंग फिल्म है. और सब एक्टरों ने जो भी जिसको काम मिला है उसने अच्छे से करने की कोशिश की है. हमारे लिए चाहे स्टेज हो, चाहे टीवी हो, चाहे ओटीटी हो, चाहे वेब सीरीज़ हो, चाहे 70 mm हो, हमारे लिए हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग काम करने का मौका मिलता है. हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है. और अब जैसे शूटिंग डेज भले ही कम हो गए हों, लेकिन प्री प्रोडक्शन की तैयारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. और जितना ज़्यादा बोलते हैं कि आप कोई भी छलांग मारें तो उससे पहले जितनी प्रैक्टिस कर लें, तो आई थिंक वो उतने रिज़ल्ट अच्छे आते हैं. तो ये भी अच्छा है कि पहले फिल्म करते थे तो बहुत सारे रीटेक करने का सौभाग्य मिलता था. अब जो है, अगर
फिल्म करने से पहले जो है आपको तैयारी करने का बहुत अच्छा सौभाग्य मिल जाता है। तो आई थिंक सिनेमा OTT सबकी अपनी अपनी एक प्लेटफॉर्म है और सबकी अपनी अपनी एक बाउंड्री है, और बाउंड्री में जितना अच्छा आप करने की कोशिश करते हैं वही ठीक है। ना कोई फिल्म ज़्यादा दिनों में बनती है ना कम दिनों में बनती है। फिल्म का एक जो क्राफ्ट है वो बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज़ के प्रॉपर पूरा हो जाए, बस उसकी कोशिश होनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे इस साल आपको अच्छे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, कई सारी फिल्मों में अच्छे कैरेक्टर्स करने का जो है मौका मिला है। कोशिश कर रहा हूँ कि सब अच्छे हों और बिल्कुल न्यू बोलते ना बिगिनर की तरह काम कर रहा हूँ। खूब प्यार बांटिए, प्यार करिए, बच्चे बूढ़े नौजवान माता पिता जितने भी सब लोग हैं सब एक दूसरे से प्यार करिए, और साल में 365 दिन ऐसे प्यार करिए कि आपका हर दिन जो है वैलेंटाइन डे जैसा हो, क्योंकि प्यार से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं, बहुत ऊर्जा आपको मिलती है। और मैं चाहता हूँ कि हर मिनट हर सेकेंड आपका जो है वो होना चाहिए एक प्यार दिवस। थैंक यू।